आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एडिक्शन बन चुका है। जैसे लोगों को खाना और पानी ज़रूरी होता है जीने के लिए, इस वक्त लोगों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोग अपना आधा से ज़्यादा वक्त जो है काम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, और इस वक्त जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक बिज़नेस का ज़रिया भी बन चुका है, और लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें कि सोशल मीडिया जो है इस वक्त इस तरीके से अभी के जो एज ग्रुप है उनको इन्फ्लुएंस करते जा रहा है, क्योंकि लोग जो है अब उससे एक कमाने का ज़रिया ढूंढ चुके हैं। जहाँ पर पहले बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाती थी, और मतलब बहुत सारा जो है एक प्रॉपर लोकेशन देखते थे, सेलेब्स को हायर करते थे, वही इस वक्त जो है अब वही कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने ब्रांड को प्रमोट करवाती हैं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच भी पहुंच जाती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के होड़ पर इस वक्त इंस्टाग्राम बहुत ही आगे चल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि जिस वक्त टिकटॉक इंडिया में बैन कर दिया गया था, उस वक्त जो है इंस्टाग्राम ने अपने अंदर एक नए फीचर्स को अपडेट किया था, वो था रील्स का, जिसके बाद बहुत सारे जो लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे थे वो इंस्टाग्राम पर शिफ्ट कर गए और वहाँ पर रील्स बनाने लगे, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स बढ़ाने की जो होड़ है वो शुरू हो गई। और आज के वक्त में जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो उतना ही ज़्यादा किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए पैसे चार्ज करते हैं। इन शॉर्ट, इंस्टाग्राम जो है इस वक्त एक बिज़नेस का ज़रिया बन चुका है, जहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में क्यों बता रहे हैं। ये बताने के पीछे का कारण ये है, क्योंकि हर साल एक हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट निकाली जाती है। ये लिस्ट जो है इस आधार पर तैयार की जाती है जिसमें सेलेब्स जो है अपने हर प्रमोशनल पोस्ट पे कितने रुपए चार्ज करते हैं, इस बेसिस पे इस लिस्ट को तैयार किया जाता है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस बार जो है 2021 की ये हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट आ गई है, जिसमें दो इंडियन सेलिब्रिटीज़ के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम जो है वो है जो क्रिकेटर विराट कोहली। आपको बता दें कि विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 125 मिलियन फॉलोअर है। जी हाँ, सही सुना आपने, 125 मिलियन फॉलोअर जो है इंस्टाग्राम पर इनके हैं। और ये माने विराट कोहली जो है वो भी बहुत सारी कंपनीज़ वगैरह के जो ब्रांड के प्रमोशन करते हैं, और ऐसे में वो अपने हर प्रमोशनल पोस्ट पे, यानी एक प्रमोशनल पोस्ट का, यानी आपको बता दें कि विराट कोहली जो है अपने हर प्रमोशनल पोस्ट पर 680,000 डॉलर जो है वो मतलब मांगते हैं, वो जो है लेते हैं इतना पर पोस्ट पर, जो इंडियन मनी में 5 करोड़ रुपए होता है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में वो 19वें नंबर पर है। इसके साथ ही दूसरी सेलिब्रिटी जिनका नाम सामने आ रहा है वो है ग्लोबल सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा, जो कि इस लिस्ट में 27वें नंबर पे है, और उनके इंस्टाग्राम पर 64 मिलियन फॉलोअर है। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रियंका चोपड़ा के जो है इंस्टाग्राम पे 64 मिलियन फॉलोअर्स है, और वो भी जो है अपना हर प्रमोशनल पोस्ट पर जो है वो 403,000 डॉलर, यानी इंडियन मनी में करीब करीब 3 करोड़ रुपया वो चार्ज करती है। इसी तरीके से जो है ये सेलिब्रिटीज़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हर प्रमोशनल पोस्ट पे इतनी मोटी बड़ी रकम जो है वो चार्ज करते हुए नज़र आते हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में जो है करीब 1 से लेकर 30 तक ये लिस्ट होती है, जिसमें अलग अलग जो है लिस्ट में जिस हिसाब से लोग प्रमोशनल पोस्ट पर अपने पैसे चार्ज करते हैं उस अकॉर्डिंगली इस लिस्ट को तैयार किया जाता है। ऐसे में नंबर 1 पर जो है फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो कि आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा पैसे अपने हर प्रमोशनल पोस्ट पर चार्ज करते हैं। उनके इंस्टाग्राम पे 295 मिलियन फॉलोअर्स है। जी हाँ, सही सुना आपने, 295 मिलियन फॉलोअर जो है इस फुटबॉल स्टार के इंस्टाग्राम पर है, और वो अपने हर पोस्ट पर 16,04,000 डॉलर, यानी इंडियन मनी में करीब 11 करोड़ रुपये जो है चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक बिज़नेस का, एक कह सकते हैं बिज़नेस प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर अब ब्रांड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करने के लिए सेलेब्स को, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, उन्हें पे करते हैं, और इसके बाद अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अभी दो इंडियन सेलिब्रिटीज़ का ऐसे लिस्ट में नाम आया है। लिस्ट हर साल निकाला जाता है और हर साल जो है इसमें कोई ना कोई जो नाम होता है इसमें जुड़ते रहता है या फिर घटते रहता है। इसी अकॉर्डिंगली आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के डेट में एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक जो है बिजनेस हब बनते चला जा रहा है और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपको इसे प्रॉफिट कमाने के लिए पर्याप्त नॉलेज होने की ज़रूरत है कि किस तरीके से काम करता है और किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।